रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सड़कों से निकलती हुई कांवड़ यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान तरह तरह के कांवड़ देखने को मिल रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। कोई तिरंगा तो कोई भगवान की झांकी लेकर कांवड़ निकाल रहा है। कांवड़ यात्रा में अपने अपने जत्थे के साथ चल रहे शिव भक्तों का कहना है कि अपनी संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कांवड़ निकाल रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस बारे में पता चल सके। ये बहुत अच्छी तरीके से आपके इन्होंने बनने नहीं दी, यानी हम तो बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे इसको। इसमें क्या क्या लगाया है आप? देखिए, बोले शंकर को मनाना चाहते हैं, और क्या उद्देश्य है? शिवरात्रि है, हर साल आते हैं, 25 साल हो गए आते को जल चढ़ाएंगे वहाँ। वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा के चलते मंगलौर क्षेत्र में जगह जगह गंदगी का अंबार लग चुका है, पर मंगलौर नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को इसकी कोई सुध नहीं है। पिछले एक सप्ताह से हरिद्वार से जल भरकर निकलने वाले लाखों कांवड़िए मंगलौर क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, पर यहां की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जो बारिश के चलते कई तरह की बीमारियों के संकेत दे रही है। इस मामले में कुछ लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि उनके स्तर पर साफ सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो नगर पालिका के लोग वहाँ के कोई सुविधा नहीं देंगे, ये बात तो कन्फर्म है। कारण क्या है? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है मंगलौर वालों के, और अब की बार तो कुछ और ही चला है। ऐसा नहीं करना चाहिए इसमें। ये नगर पालिका तो उनके जो वहाँ के विधायक बनते हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके इशारे पर चलती है नगर पालिका तो। और नगर पालिका को कांवड़ियों की सफाई व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, और मंगलौर के लोगों को भी सफाई की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप पर हम लोग ही देख रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो है पूरे देश से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो देखते हैं कि भाई हमें सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ मंगलौर में देखने को मिल रही। ये हमारे लिए बहुत शर्म का विषय है। ऐसा नहीं है, वो पूरी पार्टी को लेकर हमारे 10-12 कर्मचारी लगे हुए हैं, जो 2 शिफ्टों में कार्य कर रहे हैं। जैसे सुबह 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक लगते हैं, फिर 2-3 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक, तो प्रॉपर सफाई का कार्य चल रहा है, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी कांवड़िए भी अत्यधिक मात्रा में आ रहे, आप देख ही रहे होंगे, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा कूड़े की व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन फिर भी उसको प्रयास है, हमारे कर्मचारी उसको लगातार प्रयास कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।